कई खास मेहमान बिहार में जिस तरीके से कानून व्यवस्था पूरे तरीके से चरमराती हुई, पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के तार, मर्डर के तार, जेल में बैठे शहाबुद्दीन से जुड़ते हुए और सफाई नहीं देते बना, तो आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी इस प्रोग्राम से जा चुके हैं, लेकिन अभी भी कई खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। बीजेपी के रामेश्वर चौरसिया हमारे साथ हैं, जेडीयू के डॉक्टर सुनील सिंह हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता जी भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर सुनील सिंह, मृत्युंजय तिवारी जा चुके हैं, पर इस उम्मीद के साथ साहब आप ईमानदारी बरतेंगे, आपसे सीबीआई जांच के लिए तैयार है सरकार? उनकी पत्नी चाहती है कि सीबीआई जांच। अदिति जी, मृत्युंजय तिवारी जी के कोई खास मीटिंग थी इसलिए गए हैं? हमें नहीं लगता कि आपके सवाल के हमले से गए होंगे। एक दूसरी बात, आपने कहा सीबीआई जांच के लिए, हम कह रहे हैं कि सरकार को जिस तरह की जांच करनी होगी जो कि सत्य के नीचे तक पहुंचेगा और पीड़ित परिवार के पूरे सेटिस्फेक्शन देगा, सारे जांच होंगे, सारे कार्रवाई की जाएगी। सर कब होंगे? दोषी को पकड़ा जाएगा। अभी तो सीबीआई सर कब होंगे वो सब वो सर मेरे ख्याल से 48 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। आज भी डॉक्टर सुनील सिंह, आदिति जी जिस वक्त, एक बात आप समझिए, आदिति जी जिस वक्त मर्डर हो जाएगा उसके बाद जांच हो जाएगी सर, वो एक पहलू है सर, क्राइम को रोकना उससे भी बड़ा पहलू है। आप जानते हैं, आपको पता है कि राजदेव रंजन 22 लोगों की एक हिट लिस्ट तैयार हुई थी, उसमें उनका नंबर 12वां था। 2 साल पहले उन्होंने एक खबर छापी थी साहब, आपके राज्य में नीतीश कुमार के होते हुए एक पत्रकार की हत्या कर दी जाती है और ये वो पत्रकार है जिसको लेकर पहले से ही, जिसकी सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न थे सर, उस पर सरकार को जवाब देना पड़ेगा। देखिए आयति जी, सरकार को जवाब तो देना पड़ेगा, ये तो मैं आपकी बात यकीन करता हूँ, मगर आप जिस वक्त आपका शो हो रहा है आदिति जी, उस वक्त भी जो 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 जो, जो पकड़े गए हैं, जो हिरासत में है, उसके उससे गहन छानबीन चल रही है और सारी जगह छापेमारी चल रही है, इसके लिए आप अस्वस्थ रहें और इसके लिए देखें। लेकिन आपने कहा कि अभी सीबीआई जांच की बात, सीबीआई जांच का एक जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होता है, ये एक राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो सीबीआई जांच की भी जरूरत पड़ेगी तो सरकार जो जांच से नहीं चुकेगी, क्योंकि सत्य के तह तक पहुंचना है, वो चाहे सरकार सरकार की जो अपनी संसाधन है, सरकार जो अपने अंग हैं जांच के, वो काफ़ी प्रखरता से और काफ़ी बखूबी से अभी भी, जब हाँ आपका शो हो रहा है, अभी भी वो जांच चल रही है और पूरी तरह, आप इस बात को क्यों नहीं मानते कि कहीं भी अपराधी कहीं भी किसी कोने में कहीं सर, भी होगा, मैं कैसे आपकी बात मानूंगी सर, पकड़ा जाएगा। सर डॉक्टर सुनील सिंह साहब, मैं कैसे सर बात मानूंगी, आपकी सरकार आने के पहले 2 महीने के आंकड़े ही दिखा रही हूँ सिर्फ साहब, अगर और महीने दिखाने लगी ना तो आपको शर्म आ जाएगी सर। दिसंबर 2015 में 229 मर्डर के मामले हैं सर, 200 मामले तो जनवरी 2016 के हैं सर, आप जांच से ही काम चल जाएगा क्या सर? आदिति जी, अगर आंकड़े नहीं डाले 3 महीने से पुलिस, जनवरी के बाद से आंकड़े नहीं डाले हैं सर। मैं आदिति जी, आंकड़े की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ का जो क्राइम का आंकड़ा है उसमें ऐसे कोई उछाल नहीं आए हैं, बल्कि कुछ गिरावटें आई हैं मेरी जानकारी में सर, तो वो आंकड़े शेयर कर लीजिए इससे कंपेरेबल। सर आंकड़े शेयर कर लीजिए, पुलिस ने क्यों हटा दिए आंकड़े फिर, सिचुएशन अगर बेटर हो रही थी सर। अगर कंपेरेबल नहीं, आप देखेंगे, देखिए अगर कंपेरेबल बाकी अन्य राज्यों से लिया जाए, देखिए दो राज्यों का अपराध मिलकर के सही नहीं हो जाता, लेकिन लोकतंत्र के सभ्य समाज में अपराध का कोई जगह ना होते हुए भी बड़ी दुखदाई है कि अपराध होते हैं, लेकिन अपराध सर आरजेडी संभल नहीं रही आपसे, वो अन्य राज्यों से नीतीश कुमार नहीं संभाल पा रहे लालू प्रसाद यादव को। देखिए ऐसे तो देखिए, मैंने कहा महागठबंधन की उत्पत्ति कोई व्यक्तिवादी करके नहीं हुई है, महागठबंधन की उत्पत्ति सेकुलर और समाजवादी ताकतों का मिलन होकर के, साम्प्रदायिकता से किनारा कर लिया, लेकिन आपने अपराध से साठगांठ कर ली सर, ये कैसा गठबंधन हुआ सर, जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं साहब। देखिए जब ये आदिति जी, ये सिद्धांत की फिलॉसफी का विलय हुआ था महागठबंधन में, ये व्यक्ति पर आप लेके जो आक्षेप करती हैं, ये मेरी समझ से सर, मैं व्यक्ति को लेकर आक्षेप नहीं कर रही हूँ, मैं आंकड़ों के जरिए बात कर रही हूँ। नहीं तो आंकड़े में मैं बता दूं आपको कि आंकड़े से मैं भी अगली बार दुरुस्त होके आऊंगा और आपको इस बात को बता दूंगा कि आंकड़े में निकट भविष्य में फिर बात करिएगा सर, आंकड़े में ठीक है रामेश्वर, मैं बता दूं, मैं जानकारी मेरे पास है, जानकारी अदिति जी मेरे पास है कि आंकड़ों में निकट भविष्य में ना तो कोई उछाल आए हैं और सर, नहीं पहले वो एग्जैक्ट डिटेल आप इतने ले लीजिए, मैं आपको 2-3 मिनट देती हूँ चौरसिया साहब। हाँ अदिति जी, सुनील जी समझ रहे हैं जो बात ही बोल रहे हैं, क्योंकि इनको अब डिफेंड करना मजबूरी है, ये भी दुख से भरे होंगे, मुझे लगता है अच्छे डॉक्टर हैं। मैं 2-3 सवाल पूछता हूँ, अभी जैसे आलोक जी ने उठाया, हो क्या रहा है, अब जब हमारे साथ नीतीश जी आए थे तो एक सत्ता का धमक था, अपराधियों में खौफ था, और आज क्या हो गया है, महागठबंधन कह के महाजंगल राज की उत्पत्ति जो हुई है,
क्योंकि अभी तक देखिए किसी से मिलने सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं जाता है, तो अपराधियों को लगता है कि हमें तो खुली छूट है, और मैक्सिमम अपराध सरकार में बैठे लोग कर रहे हैं, उनके साथ गांठ वाले कर रहे हैं। जैसे आपने पूछा वो व्यक्ति कौन है जो शहाबुद्दीन से नाम जुड़ रहा है, देखिए एक श्रीकांत भारती की हत्या हुई थी, भाजपा का कार्यकर्ता था, उसमें शार्प शूटर पकड़ा गया था, लेकिन इसी राज्य में उसको छोड़ दिया गया क्योंकि शहाबुद्दीन का प्रभाव इतना तो है, आप समझ ही रहे हैं। तो ये शार्प शूटर फिर इनकी हत्या करता है, तो अपराधियों में जो खौफ था वो आज नहीं है। और प्रॉब्लम क्या हो रहा है यहाँ, इस पर एक्शन लेने की बजाय ये लोग क्या कर रहे हैं कि डिप्टी सीएम कुछ ट्वीट कर रहे हैं, लालू जी कुछ बोल दे रहे हैं, वो चले जा रहे हैं बिहार छोड़ के दूसरी जगह। नीतीश जी से जनता जो उम्मीद कर रही थी, ये पर्यटक के रूप में जो घूम रहे हैं, तो लोगों को लगता है नीतीश जी की कोई संवेदना नहीं बिहार के प्रति, उनके मंत्रियों की संवेदना। अच्छा मैं इनसे पूछता हूँ सुनील जी से, किसी को तो जाना चाहिए था उनके परिवार से मिलने, बात कर लेते हैं, पत्रकार है। आलोक जी को लाना चाहती हूँ, आलोक जी नहीं हैंडल कर पा रहे नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव को? देखिए उनको अकेले की बात नहीं है, देखिए 100 MP MLA यहाँ पर उनके साथ हैं, उनके जो समर्थक हैं वो बड़े पैमाने पर उनकी हिम्मत जरा हौसला जैसा होता है हमारा राज आ गया। मैं ये मानता हूँ कोई ऐसा है कि लालू जी या नीतीश जी थोड़ी इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ऐसा काम करना है, लेकिन होता यह है कि वो उन लोगों पर एक मैसेज जो जाना चाहिए। और अदी जी मैं फिर एक बार उठाना चाहता हूँ, सुनील जी से कहूँगा, जब ये सूचना आ गई थी कि इस तरह की रिपोर्ट छप रही है, कुछ पत्रकारों के नाम हिट लिस्ट में हैं, सुरेंद्र किशोर जैसे जो बहुत पुराने पत्रकार जनसत्ता के और बड़े अखबारों के रहे हैं, ऐसे सबके नाम यदि हैं, तो पुलिस ने और सरकार ने क्या कार्रवाई प्रिकॉशन की? पूछा मैंने आपके सामने, पूछा हाँ वही सुनील जी, ये तो बताया कि भाई ठीक है हत्या के आंकड़ों पर भी मत जाए, लेकिन क्या ऐसे लोगों की सुरक्षा हो, ऐसे लोग जो संदिग्ध थे उनको 50 लोगों को आपने हिरासत में लिया प्रदेश में, कुछ ऐसे कदम नहीं उठाए जाने से। और मैं ये भी कहता हूं कि आपके पास यदि पुलिस के कर्मियों की कमी थी तो क्या आपने केंद्र सरकार से पुलिस और मांगा? तो चौरसिया जी से कहा जाता कि भाई देखिए आपकी केंद्र सरकार जो से जो यहाँ पर केजरीवाल बार बार कहते हैं, लेकिन ये सही है कि आपके पास यदि पुलिस के कम है चौकस रखने का, तो लेकिन आपने क्या इंतजाम किया जो पत्रकारों की हत्या की स्थिति आ रही है, और उसके अलावा विधायक के पुत्र मार रहे हैं। मेरा एक और सवाल है आलोक जी आपसे इसी पर, लालू प्रसाद यादव क्या जो नीतीश कुमार की नेशनल एम्बिशंस है उनको हिट करने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी आपस में ठन गई है जो हमें बिहार में इस समय देखने को मिल रहा है? देखिए हिट करने की तो राजनीतिक तरीके से करेंगे, मैं नहीं मानता कि उसकी वजह से हत्याएं कराने लगेंगे, लेकिन ये सही है कि जैसे आप उनके देखिए ना, एक MLA बाकायदा बोल रहे हैं नीतीश के खिलाफ, उन पर कोई कार्रवाई भी RJD नहीं करती है कि भाई आप हमारे गठबंधन का धर्म इतना तो होता है, वो सरकार पर बोले, वो तो नीतीश को लेकर के जिस तरह से बोल रहे हैं इसका मतलब है कि उनको यह नहीं भा रहा है। मेरा मतलब जो सवाल का था सर, एक्चुअली उसको मैं क्लियर कर दूं, जैसे तस्लीमुद्दीन बोल रहे हैं या फिर रघुवंश प्रसाद बोले या जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है उधर से, उन्हीं दिखा रहा है नीतीश, पूरा नीतीश को सबोटेज कर रहे हैं, उससे उनके समर्थकों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। ये बिल्कुल आपका पॉइंट ठीक है कि जब उनके नेता ही नीतीश को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं, सफल होने नहीं देना चाहते हैं, और नेता अपने उनके साथ के तस्लीमुद्दीन जैसे नेता यदि बोल रहे हैं तो इससे साबित होता है, इसके रघुवंश बाबू कल परसों बोले थे, तो इससे साबित होता है कि लालू जी उनको शह दे रहे हैं, और उनके उस अच्छा उन दो को नहीं दे रहे, उन 200 समर्थकों को दे रहे हैं जिनकी पृष्ठभूमि जो सत्ता का फायदा उठा करके कुछ भी करना चाहते हैं। और मैं कह रहा हूँ ये हर पार्टी के नेताओं के साथ जुड़ा हुआ है, आप देखा ना झारखंड में भी कुछ होता है, छत्तीसगढ़ में कहीं होता है, तो वो सब भी ऐसे हैं जो नेताओं से जुड़े हुए हैं। मैं इसलिए एक पार्टी की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं बराबर आप और हम यही कहते हैं, आप पर अभी वो जो बतूल जी कह रहे थे मैं बिल्कुल उसके खिलाफ हूँ कि किसी पत्रकार को और एंकर को आप कह दें कि आप उस पार्टी की तरफ से कह रहे हैं, हम पार्टी की बात नहीं करते। ये तो मुझे लगता है ये जो कहेगा नहीं, ये तो मुझे लगता है ये ट्रेंड बन चुका है इस देश की पॉलिटिक्स का, जिस भी पार्टी की तरफ आप सवाल उठा देंगे वो पलट के आपको दूसरी पार्टी के साथ जोड़कर कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करती है, और वो सोचती है कि जनता जो है वो भी बेवकूफ है और पत्रकार भी अनाड़ी है। अब ये सब चलने वाला नहीं है, इस तरीके से डिबेट्स डिरेल नहीं होंगी और ना ही सवालों पर से ध्यान किसी का भटकाया जाएगा।